जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में हमारे आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे पूरे हिंदुस्तान में, हमारे पूरे देश में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाएंगी और हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे होने की वर्षगांठ को पूरे ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे कठुआ में भी 30 तारीख से, यानी कि कल से, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रोग्राम अगले 5 दिन तक किए जाएंगे, जिसमें 30 तारीख से लेकर जो है 3 तारीख तक कंटिन्यूअस फोटो एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी, जिसमें हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपना योगदान दिया, उनके जीवन चरित्र के बारे में फोटो एग्जीबिशन लगाई जाएगी। और इसी पैटर्न पर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी की जाएगी। इसके लिए एक डिटेल प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें 30 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में साइकिल रैली, मैराथन, इसके अलावा बच्चियों की रैली, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाएंगी, जिसके लिए हमारे गवर्नमेंट वुमेन डिग्री कॉलेज में ये हमारा प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारे कल 30 तारीख को इसका इनोग्रेशन है और 3 तारीख को इसका जो है समापन किया जाएगा। हमारे ऑनरेबल DDC चेयरपर्सन कल इसको 30 तारीख का इसका इनोग्रेशन करेंगे। मेरी सभी कठुआवासियों से ये निवेदन है कि वो इस एग्जीबिशन में इस फोटो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें और अपने स्वतंत्रता सेनानी के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सभी पार्टिसिपेट करते हुए अपने देश को, अपने देश की आज़ादी को सेलिब्रेट करें।